चलो से आ जाओ, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। इसकी मस्ती देखो। चलो और ये आमदनी कर पड़े। Much, much, much later. सब्जी लेते भी नहीं खाती इसको लिए नहीं यहाँ गोद में चढ़ गया मैं सब्जी ले लो ले बाबा रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में क्या बना है, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। तो आज मेरी प्यारी प्यारी बेटी ने बनाई है बढ़िया प्याज, देख लो बढ़िया बताऊं, एक मिनट, ये बढ़िया है और ये प्याज। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनी है क्योंकि ये इसमें हमने थोड़ी ख़त्म कर ली, खा ली थी और ये रही देख लो, ये मैंने खाना खाई मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा अच्छी लगी इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करी, क्योंकि बढ़िया है हजू और मेरे को थोड़ी सी रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स को भी मैं बताती हूँ कि आज मेरी बेटी ने बनाई है मेरे लिए बढ़िया प्याज और ये रेसिपी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए बढ़िया प्याज की तो बहुत सारे कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए भी बढ़िया प्याज की रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो चलो मैं खाना खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। भूल ही गई मैं यहाँ बाजू पे मेरे लिए थोड़ी सी और सब्जी लेने आई हूँ, मैं खाना खाते खाते पे थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी और मैं तो भूल ही गई, तो चलो थोड़ी सी सब्जी ले लेती मैं, बस तब इतनी सी सब्जी और मैं खाना खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये तो ये तैयार ले आई हूँ मैं ये, और ये मेरी बेटी ने रोटियाँ बनाई है मेरे लिए, तो बस अब हम रोटी भी खाएंगे। यहाँ पे हम खाएंगे रोटी और ये बढ़िया प्याज। Thank you.
बिस्मिल्लाह। अभी हमारे मेरे साथ खाने बैठे ले है, ताहा भी है, ताहा ने खा लिया है, मिजना अभी खा रहे हैं। ये देखो मिजना भी खा रही है। मिजना कैसा बना है? यम्मी 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 यम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ टेस्ट करे बिना नहीं बताएंगे। तो एक निवाला तो आपने खूब से आधा पेट तो हो गया आपका। मिजना जल्दी से बताओ। देखो बिस्मिल्लाह बोल के मिजना खा रहे हैं। कैसा बना है मिजना रानी? यम यम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी डिश बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, ज़बरदस्त बनी है वाकई। क्या हुआ मिजना? क्या हुआ मिजना? क्या हुआ? कम क्या नहीं मिल रहा तुम्हारे को? तुम्हारा तो ले लेने, दस दस की ले ले। हाय हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस नई नई बेटी की चप्पलें पहन के मैं कहाँ चली सब्जी लेने, तो मेरी चप्पलें मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो बेटी की है तो बेटी की पहन ले, तभी बेटी आई है तो। और यहाँ पे आज मैं सब्जी लेने गई थी, जा रही थी, तो बस हमारी मिजना आए है, तो मिजना रानी बोलते कि मैं आज नानी तुम्हारी सब्जी लेती वीडियो शूट करूँ, मैंने सोचा चलो कर लो। तो बस यहाँ बाजू पे मिजना मेरी कुछ बांधा नहीं, बस यहाँ बाजू पे वही सबर करती हूँ, तो बच्चे भी थोड़ा चिल्लाते हैं क्योंकि अभी बच्चे आए हैं, तो मेरे वहाँ थोड़ा चिल्लाना चलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो बस यहाँ बाजू पे मैंने सब्जी ले चुकी हूँ और सब्जी लेके मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो आज मैंने सब्जी में क्या लिया है, देखो कितनी ग्रीन ग्रीन हमारे वहाँ सब्जी, बहुत ही अच्छी। हमारे सब्जी वाले भैया बहुत अच्छी सब्जी लाते हैं, भुरिया भाई सब्जी बहुत अच्छी लाते हैं। अगर आप लोग भी बड़ौदे में रहते हैं तो यहाँ से सब्जी ले जाओ, बहुत अच्छी सब्जी एकदम ग्रीन होती है। और ये देखो आज मैंने चोला फली ली है, और ये चोला फली को आज मैं ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी, जो पुराने तरीके से होते हैं ना, जो मेरी नानी दादी बनाते थे ने चूल्हे पे, सेम इसी तरह से आज मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल तरीके से सब्जी बनाते सिखाऊंगी चोला फली की। और ये बहुत ही यम्मी यम्मी सब्जी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने सब्जी को कुछ इस तरह से तोड़ भी लिए, काट भी लिए, तो इसमें से थोड़े बीजे निकालने के और थोड़ी काटने की। तो मैं पूरी देखो आपको बताती हूँ मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ। एक काटी है, कुछ को काटी है, कुछ के बीजे निकाले, तो ये पूरी तरह से मैंने सब्जी को अच्छे से काट ली है, और इसको पानी में थोड़ी देर के लिए मैं भिगो देती हूँ। तब तक मसाला कर लेते हैं। यहाँ बाजू पे एकला लहसुन लेना है, अदरक को बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अदरक बिल्कुल नहीं लेनी है, एकला लहसुन, और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा करकरा, और इसमें भुना भुना पिसा जीरा। और ये देखो ये मेरा ऑर्गेनाइजर है। यहाँ बाजू पे मैं मसालों को एक ही डब्बों में सब मैंने ऑर्गेनाइजर करके रखा है, तो ये मेरा प्यारी प्यारी मसाला है। समझ गए मेरी बेटी ने समझा दिया, बोल दिया उसने, तो थोड़ा 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 बोलने में होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। और यहाँ बाजू पे ये धाना जो अखा है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे, और थोड़ी सी सौंफ वरियाली, थोड़ी सी वरियाली चुटकी बहुत अच्छी लगती है इसमें। और ये सब मसालों को अच्छे से मैं पहले पीस लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलो यहाँ बाजू पे ये मसाला आप लोगों ने देख लिया, तो यहाँ मैं मसाला पीस लेती हूँ, थक गई। तो बस यह मसाला पीस लिया है, और इसमें है लाल मिर्ची, हल्दी, धाने और नमक। ये कोरा मसाला यानी सूखा मसाला है, सूखा मसाला भी मैं इसको भी अच्छे से थोड़ा सा पीस लेना है। और ये मैं बेठी सब्जी बनाऊंगी, यानी बेठी कैसा बोलते इसको, थोड़ा पानी भी डालना है इसमें मसाले में, तो अच्छा सा पिसाएगा, अच्छी सी ग्रेवी पेस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से पीस के मसाला बनाएंगे, लोग आपकी वाह वाह करने से बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तो यहाँ बाजू मैंने चोला फली भिगो दिए थी, इसमें मैंने रिंगण बटाके सब कुछ डालूंगी, लेकिन
सबको वॉश कर लिया और अच्छे से नितार लिया पानी। और ये देखो मैंने आज गैस पे फ्लेम तपेली नहीं चढ़ाई है और सभी सब्जी को प्याज और टमाटा भी इसमें जाएगा और रिंगण बटाका भी जाएगा। चोला फली में बहुत ही अच्छा लगता है रिंगण बटाके वाली चोला फली। और ये मसाला भी यहाँ ही तपेली में, हजू गैस की फ्लेम मैंने चालू नहीं करी है, ये ट्रेडिशनल तरीके से मैं बता रही हूँ, बेठी सब्जी इसको बोलते हैं हमारे वहाँ, बेठी सब्जी। खड़ी सब्जी अलग होती है, बेठी सब्जी अलग होती है। तो आज मैं आपको बेठी सब्जी बना रहे थे बताती हूँ। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालूँगी मैं, कुकिंग ऑयल। तो मैंने तेल भी डाल दिया है, देख सकते हो, फिर से आपको दिखा रही हूँ कि तेल भी डाला है, मेरे को थोड़ा कम लगा था, यानी बहुत ज़्यादा तेल की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, कम तेल में बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, बन जाती है। और मैंने नीचे इसको अच्छे से हला लिया है और अब इसको हला के थोड़ यानी अजू भी मैं गैस पे इसको नहीं ले गई हूँ। अल्लाह अकबर, आज मैं नीचे वीडियो शूट वीडियो वही सवर कर रही हूँ, इसलिए सॉरी फ्रेंड। तो चलो यहाँ थोड़ा सा पानी भी मशीन को धो के डाल दिया है और अब इसको गैस की फ्लेम को मैं बिस्मिल्लाह बोल के चालू करके, बिस्मिल्लाह बोल के मैंने यहाँ पे तपेली रख दी है और इसको अभी खुला 5 मिनट रहने दूंगी। तो देखो इसमें तेल आ गया, धीरी गैस पे 5 मिनट मैंने इस तरह से छोड़ दी इसको, बेठी सब्जी बना रही हूँ बोल रही हूँ बार बार। और अब इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप के रख देना है क्योंकि इसमें टमाटे का, प्याज का और मैंने धो के पानी डाला है तो उसमें पानी ऑलरेडी बहुत सारा है। और देख लो ये भूनी भूनी सब्जी चोला फली की ट्रेडिशनल डिश बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कितना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, कितना प्यारा कलर आया इसका। और ये जितनी दिखने में टेस्टी है ना, इतनी ये खाने में भी ज़बरदस्त बनती है। गैस की फ्लेम को मैंने अब कर दिए बंद, मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रख रही हूँ और ये चिकन को भी पीछे छोड़ देती है, चिकन का भी बाप है। और यहाँ बाजू पे मैंने रोटी बना डाली है और ये मेरी चोला फली की सब्जी आज हम रोटी के साथ खाएंगे। तो यहाँ बाजू हाजी साहब भी ऑफिस से आ गए हैं, मैं हाजी साहब को खाना बढ़ा के देती हूँ, हमारे वहाँ ऐसा बोलते हैं। तो प्याज अचार और घी वाली रोटी है और ये चोला फली की सब्जी, यम्मी यम्मी। तो बस ये अचार अभी मैंने एक इसमें केरी डाल दी है अचार में, तो ये मसाला इरफान भाई दे गए थे, केरी भी इरफान भाई दे गए। तो बस ये मसाला अचार तैयार है हमारा। और यहाँ बाजू पे मैंने किचन में सब बर्तन भी मांड डाले और ये पटड़ा और ये आटा गूंदा था, तो मशीन बस ये रोटी की सब चीज़ें बाकी है, तो बस इसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पे नमाज पढ़ने का टाइम हो चुका है और ये वीडियो शूट किसने किए पता है आप लोगों को? लो मेरा आवाज़ बंद करती हूँ, सुनो किसने वीडियो शूट किए, मैंने नहीं किए ये वीडियो। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेरी नानी मम की वीडियो शूट कर ली थी, नानी मम को पता नहीं था कि मैंने उनकी वीडियो शूट करी। और हमजा भी नानी मम के साथ नमाज पढ़ता ही है, लेकिन आज आया तो मेरी मम्मी आए थे तो वायद ने भी हमजा को देख के और नानी मम को देख के पढ़ ली थोड़ी सी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही मेरे नानी मम की न्यू वीडियो देखती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको मेरी नानी मम की नवी वीडियो मिल जाए। तो लाफिस, खुद सर दुआ मियाँ, तुम बोल दो कुछ। हमजा भी आप लोगों को अल्लाह हाफिज बोल दिया है, अल्लाह हाफिज हमजा। तो बस अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।